विवाह कब होगा, आखिरकार कब तक इंतजार करना होगा, क्या ये प्रश्न आपको परेशान करता है, आपके मन में बार बार ये प्रश्न उठता है, या फिर वो माता पिता इस बात को लेकर परेशान है कि हमारे बच्चों का विवाह कब होगा जिनके बच्चे विवाह के योग्य हो चुके हैं, और उन लोगों को ये प्रश्न ज़्यादा परेशान करता है कि जिनका भाग्य उदय ही विवाह के बाद उनकी कुंडली में निर्धारित हो। तो क्या आप सब इस तरह के प्रश्नों से परेशान हैं? आखिरकार पूर्व जन्म का वो कौन सा कर्म होता है जिसकी वजह से इस समय हमें, इस जन्म में हमें विवाह में देरी का सामना करना पड़ता है? बात बनते बनते बिगड़ जाती है, किसी थर्ड पर्सन की एंट्री से विवाह का कार्य बिगड़ जाता है, बात बनते बनते रह जाती है। नो डाउट आपकी पर्सनैलिटी, आपकी जो जीवन में साधारण शैली है वो सबसे अलग है, आपके पास जॉब भी है परंतु विवाह नहीं बन पा रहा है। ऐसे कौन से रीजन होते हैं और क्या हमें उपाय करना चाहिए? आज की हमारी चर्चा इसी विषय पर रहेगी। विषय पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपका अंशुमन शर्मा आप सबका आपके अपने चैनल ज्योतिष साधना केंद्र यूट्यूब इंस्टाग्राम फेसबुक पर स्वागत करता हूं। आग्रह, आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, कमेंट में जय गौ माता की, जय भारत माता की जरूर लिखिएगा, क्योंकि दोस्तों इन शब्दों से हमें बड़ा प्रेम है, अति स्नेह है, क्योंकि इन शब्दों में एक में जिस धरती पर जन्म लिया उसकी जय है और दूसरे में उस माँ की जिसमें 33 प्रकार के देवी देवता निवास करते हैं, 33 कोटि करोड़ नहीं। चलिए विषय पर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज के इस युग में खासकर ये स्थिति ज़्यादा देखने को मिलती है कि बच्चे विवाह के योग्य हो चुके हैं, पर्सनैलिटी भी अच्छी है और जॉब भी अच्छी है, परंतु विवाह का कार्य संपन्न होते होते रह जाता है, या कोई थर्ड पर्सन बीच में आकर अपनी एंट्री से सारे विवाह के कार्य को बिगाड़ देता है, जिसको हिंदी भाषा में बोला जाए तो इंटरफेरेंस और हरियाणवी भाषा में बोला जाए तो भांजी। तो इन कार्यों से विवाह बिगड़ जाता है। ऐसा कौन सा पूर्व जन्म का कर्म होता है? तो पहले तो दोस्तों हम जान लेते हैं कि ये किन कारणों से होता है। देखिए दोस्तों, जब हम पूर्व जन्म में कोई ऐसा पाप कर्म कर बैठते हैं, दो प्रेमियों को अलग कर देते हैं, अर्थात जो आपस में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं परंतु हम लोग उनके बीच में कुछ ऐसी बातें कर देते हैं जिससे वो एक दूसरे से दूर हो जाते, तो ये बहुत बड़ा दोष है। यदि आप इस जन्म में भी इस प्रकार का कोई कार्य कर रहे हैं तो ऐसे कार्य को करने से बचिएगा, क्योंकि आपको इसका खामियाजा हो सकता है इसी जन्म में भुगतना पड़े, और नहीं तो अगले जन्म में आपको जरूर इस प्रकार के कर्म की सजा भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे कार्य शास्त्रानुसार किसी जीवित इंसान को मारने के समान है। जब आप दो प्रेमियों को दूर करते हैं, या फिर कोई पति पत्नी है, या फिर कोई प्यार प्रेम के प्रसंग में है और आप उनको एक साथ देखना पसंद नहीं करते हैं और कोई ना कोई ऐसा कार्य कर देते हैं जिससे वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, तो एक बड़ा महापाप की गिनती में कार्य आता है, क्योंकि दो प्रेमियों को, दो पंछियों को मिलने से रोकना शायद इससे बड़ा कोई अपराध हो नहीं सकता है। तो एक ये कर्म हो सकता है जिसके कारण आपको इस जन्म में विवाह की देरी का सामना करना पड़ रहा है। और इसके अलावा बहुत से ऐसे कारण हो सकते हैं जिसमें कि मांगलिक योग के कारण भी हमें विवाह में देरी का सामना करना पड़ता है, मूल नक्षत्र में जन्म लेकर भी हमें विवाह में देरी का सामना करना पड़ सकता है, या फिर कुंडली में काल सर्प योग की संज्ञा हो तब भी हमें विवाह में देरी का सामना करना पड़ता है। विवाह कब कब होता है, किन किन स्थितियों में होता है? शुक्र व चंद्र के अंतर में विवाह होता है, आपके सप्तमेश की अंतर दशा में भी विवाह संपन्न होता है, लग्नेश की अंतर दशा में भी, कुंडली में यदि लग्नेश की अंतर दशा हो तो उसमें भी विवाह होता है, गुरु की अंतर दशा में भी अक्सर कुंडलियों में विवाह के योग बनते हैं, कभी कभी सुखेश की अंतरदशा में भी, सुखेश सुख भाव का स्वामी, यदि उसकी अंतरदशा हो तो उसमें भी विवाह के योग बनते हैं, और कभी कभार तो दोस्तों लग्नेश की अंतरदशा में भी विवाह का कार्य संपन्न होता है, लग्नेश अर्थात लगन का स्वामी। तो इन दशाओं में अक्सर विवाह होता है परंतु आपकी कुंडली में योग बनते बनते रह जाता है। क्या उपाय करें, क्या महा उपाय करें जिससे आप इस तरह के कार्यों से, जो पूर्व जन्म का कर्म है आपको इस जन्म में परेशान कर रहा है, कैसे मुक्ति पाएं? सर्वप्रथम तो आप कहीं ना कहीं
ऐसे स्थान पर मदद करिएगा जहां पर विवाह का कार्य संपन्न होने जा रहा हो और धन की व्यवस्था ना हो। यदि आप ऐसी जगह पर उन लोगों की मदद करते हैं और उस विवाह के कार्य को संपन्न करवाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके पूर्व जन्म के कर्म का दोष जो है नष्ट हो जाता है और आपके कार्य आपके जीवन में विवाह का कार्य संपन्न हो जाता है। इसके अलावा यदि दो प्रेमियों के बीच में मतभेद चल रहा है, किसी थर्ड पर्सन ने मतभेद किया हुआ है, तो आप कहीं ना कहीं उन दोनों को समझाकर भी आप अपनी कुंडली के उस दोष को शांत कर सकते हैं जो आपको इस जन्म में परेशान कर रहा है। इसके अलावा यदि दोस्तों दो पति पत्नियों के बीच में किसी बात को लड़ाई झगड़ा है और बात कोर्ट तक पहुंची हुई है तो वहां पर आप अपनी एंट्री देकर भी उनके बीच में जो मतभेद हैं, एक मन भेद होता है एक मत भेद होता है, मन भेद हो जाए तो फिर दोनों को मिलाना संभव नहीं होता है, यदि मत भेद हो तो फिर दोनों को मिलाया जा सकता है, तो वहां पर भी आप अपना योगदान देकर उन दोनों प्रेमियों को मिलाकर अपनी कुंडली में बने हुए उस दोष को शांत करें। या फिर दोस्तों आप यदि धन से सक्षम हैं और आप किसी गरीब कन्या का विवाह करके भी अपने इस दोष से मुक्ति पा सकते हैं। इसके अलावा विवाह के कार्यों में आप अपना हमेशा योगदान दे समय निकालें और चाहे वर पक्ष हो या वधु पक्ष की भी मदद करके आप इस प्रकार के दोष से शांति पा सकते हैं और आपका विवाह का कार्य भी जल्दी संपन्न होगा। इसके अलावा दोस्तों यदि आप विवाह के लिए प्रयास में तत्पर हैं तो आप जो मुकुट पर वर के मुकुट पर एक कलंगी लगती है मोर का चंदा, यदि आप उस कलंगी को लेकर और 5 बेसन के लड्डू और 1 कलंगी और 1 आप कमल का फूल, नित्य क्रम पूजा प्रकाश पद्धति में विवरण है कि यदि 1 कमल का फूल भगवान पर अर्पण किया जाए, विष्णु भगवान पर मां लक्ष्मी के साथ जहां विराजमान हो, तो आपके पूर्व 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो यदि आप इन तीनों को इकट्ठा करके 5 बेसन के लड्डू और 1 कलंगी और 1 आप लें कमल का फूल, इस कार्य को आप 5 बार संपन्न करें, तीनों चीज़ों को लेकर हर वीरवार को भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर भगवान विष्णु को अर्पण करके अपने विवाह की कामना करें। इसके अलावा दोस्तों आप अब नवरात्रों में, जो कि मार्च में ही नवरात्रे प्रारंभ होंगे, इन नवरात्रों में आप देवी के दुर्गा सप्तशती पाठ को संपन्न करवा के भी आप अपने विवाह के दोष को शांत करवा सकते हैं। यदि आप दुर्गा सप्तशती के 9 या 11 पाठों को संपन्न करवाते हैं या स्वयं करते हैं, इससे भी आपकी कुंडली में जो वैवाहिक जीवन में जो दोष है वो शांत हो जाता है और आपके विवाह के कार्य की जो अड़चनें हैं वो भी दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों ये थे छोटे छोटे कार्य, इन कार्यों को करके आप अपने जीवन की बाधा को शांत कर सकते हैं। एक उपाय और मैं आपको बताना चाहूँगा, आप 250 ग्राम लीजिए दूध और चलते पानी में हर सोमवार हर शुक्रवार को एक दूध की धार बांधिएगा चलते हुए पानी में, तो इससे भी आपके विवाह के दोषों को शांति मिलेगी और आपका विवाह का कार्य संपन्न हो जाएगा। तो दोस्तों इन कार्यों के द्वारा आप अपने वैवाहिक जीवन के समस्त दोषों को शांत करके एक अच्छा जीवन जी सकते हैं और आपका अच्छा विवाह, अच्छी लड़की से विवाह होगा। और इस जन्म में यदि आप किसी भी प्रकार का कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो बातें मैंने आपको बताई हैं उनसे जुड़ी हुई कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं तो दोस्तों उनको बंद कीजिएगा। यदि आपके जीवन में आपका विवाह हो चुका है और आप अपनी पत्नी के साथ कुछ ऐसा मतभेद कर रहे हैं, मनभेद कर रहे हैं, या फिर किसी अन्य नारी के साथ प्रेम प्रसंग में हैं, तो ये दोष कहीं ना कहीं आपको अगले जन्म में परेशान करेगा। यदि इस जन्म में इंसान जो समय पर जिसको पत्नी प्राप्त हो जाती है और उसको समझने का प्रयास नहीं करता है, मन भेद करके बैठ जाता है, मतभेदों को दूर नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं उसको अगले जन्म में इस प्रकार के दोषों का सामना करना पड़ेगा। बहुत से लोगों के आगे जो है अपनी बात रखनी पड़ेगी परंतु विवाह का कार्य संपन्न नहीं होगा। और कई बार तो ये दोस्तों इतने ज़्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं कि पूरा जन्म जो है अनमैरिड की अवस्था में ही निकालना पड़ जाता है। तो खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा, परमात्मा सदा आप लोगों पर कृपा बना के रखे और गलत कार्यों से बचिएगा, क्योंकि इस जन्म में ना सही अगले जन्म में आपको चीज़ें ज़रूर परेशान करेंगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए अध्याय के साथ, किसी नए स्तोत्र के साथ, जिससे आपके जीवन में हम कुछ अच्छा कर पाएँ। तो आज के लिए इतना ही, हमेशा खुश रहिएगा। जय गौ माता की, जय भारत माता की।